टुडेज आवर टॉपिक इज क्लॉक. क्लॉक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और हर बार एग्जाम के अंदर 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं. 2 क्वेश्चंस कभी 1 to 2 क्वेश्चन. क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों ही इम्पोर्टेंट है एंड इन टुडेज क्लास आई विल डिस्कस क्लॉक. क्लॉक इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो डेली लाइफ के अंदर हमारा क्लॉक के साथ में ये की मान के चलो कि हाँ जी पूरे दिन क्लॉक के साथ में हमारा ये है कि डेली हम देख रहे हैं क्लॉक ना. तो क्लॉक के काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए. अभी तक क्लियर है एक तरह से देखा जाए तो आपको क्लॉक आता है ऑलरेडी. यू नो ऑल द कंसेप्ट रिगार्डिंग क्लॉक. बट जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हमने कैसे सोल्व कर रहे हैं, है ना. क्लॉक सभी को आती है. पहला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है सभी को अपने माइंड में रखना है कि वी नो ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग क्लॉक. ओके सो अब देखिए जब भी हम बात करें क्लॉक की देन देर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड दैट द इन ए क्लॉक वी हैव थ्री हैंड्स आर हैंड मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड. थ्री हैंड्स है बट वी शुड नो कि व्हाट द एंगल ईच हैंड मेड इन ए पर्टिकुलर टाइम. आर हैंड मेक हाउ मच एंगल इन 1 hour 1 minute. मिनट हैंड का एंगल एंड इन सेकेंड हैंड एंगल सारे के सारे आपको पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो यू शुड नो द गेन एंड लॉस कंसेप्ट क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं. एट ए पर्टिकुलर टाइम कोई भी आपके पास एक टाइम गिवन है फॉर एग्जाम्पल नाउ इट इज 11:30 एंड आई कैन से कि द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 11:30 एम. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन कैन बी इन ए डे. इन ए डे मिनट हैंड मेक 90 degree एंगल हाउ मैनी टाइम्स, है ना. कितनी बारी 90 degree का एंगल बनेगा. और द क्वेश्चन कैन बी द टू हैंड्स मिनट हैंड एंड आर हैंड कॉन्साइड हाउ मैनी टाइम्स इन 24 hours. और टाइम गिवन हो सकता है कि इन आप ये कह सकते हो इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 7 AM टू 8 PM इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, है ना. तो आपको वो सभी छोटे छोटे पॉइंट्स सीखने हैं. तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज व्हाट द मिनट हैंड मेक्स 6 degree एंगल इन 1 minute. क्रैमिंग नहीं करनी है जस्ट समझना है कि 6 degree का एंगल कैसे बन रहा है. किसकी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड. ओके मिनट हैंड दिस इज योर क्लॉक. दिस इज योर क्लॉक. ओके एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड. दिस इज मिनट हैंड. अब जो मिनट हैंड है अब हम बात करें इन 1 hour. 1 hour. अब जब हम पहले 1 hour की बात करें तो 1 hour दैट मीन्स कि यहां से मिनट हैंड घूम के मेरा यहां पे रोटेट करके आ गया. दैट मीन्स व्हाट कितने डिग्री का एंगल बना. कंप्लीट सर्कल दैट मीन्स 360 degree का एंगल है. 360 degree का एंगल है. दैट मीन्स व्हाट कि जो मिनट हैंड है एंगल इन 1 hour. इन 1 hour एक घंटे में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है. 360 degree का एंगल बन रहा है. दैट मीन्स कि 60 मिनट्स के अंदर कितनी डिग्री का एंगल है. दिस इज 360 degree एंड इन 1 minute इट विल मेक डिवाइडेड बाई 60. दैट मीन्स 6 degree एंगल बनाएगा. कितने डिग्री का एंगल बन रहा है. 6 degree का एंगल. बिल्कुल सिंपल है. So the first point was what? The minute hand make 6 degree angle in 1 minute. एक मिनट में 6 degree का एंगल बनाता है. And now the second point is our hand makes 30 degree angle in 1 hour and 1.5 degree angle in 1 minute. अब इसको डिस्कस करते हैं.